वीडियो को मिल जान पे मैं हूँ शुलता। तो आज मैं थोड़ा रेडी आप लोगों को लग रही हूँ। एक्चुअली आज है, डेट क्या है आज, या 8th मई आई थिंक, 8th मई या 9th मई कुछ एक होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। एक्चुअली आज सैटरडे है तो अभी अब आइडिया लगा लो। रेडी लग रही हूँ। एक्चुअली आज मेरा 5 मंथ्स का जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड है वो आज का अपॉइंटमेंट में लिया गया है। डॉक्टर ने कहा था 4 से 10 डेट के मई के अंदर अंदर ये करवाने को। बहुत गर्मी है तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 12:00 ही बजे है तो जल्दी हो गया है। मैंने सोचा अगर लेट हो जाए तो इसीलिए मैं तैयार हो गई, तो तैयार हो गई हूँ। एंड सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेना हो गया। तो बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, जैसे मैंने कहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और पीछे थोड़ा सा मेसी वगैरह हुआ, एक्चुअली वो सब वहाँ पे ही रहते हैं, वहाँ पे लैपटॉप वगैरह रहते हैं। आजकल मैं थोड़ा सा सीरीज़ वगैरह देख रही हूँ और हर टाइम तो सोना रहता ही है तो वो सब यहाँ पे ही है। तो ऐसा ही चल रहा है रूटीन। एंड ऑल्सो रेडी हो गई हूँ, वहाँ पे मेरे रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह है, डबल मास्क वगैरह सब कुछ है। वहाँ पे मेरे मेडिसिन रखे हुए हैं, बॉटल जहाँ पे रखा हुआ है पानी का बॉटल। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। और ये मैं, मेरे जो पुराने कपड़े हैं उन सबको, एक बहुत अच्छा काम मुझे मिल गया है बैठे बैठे, उन सबकी सिलाई मैं खोल रही हूँ। जो फिटिंग्स करवाई हुई थी वो खोल रही हूँ, जो लिया गया था। एक्चुअली ये डबल एक्सल लिया गया था जब मैंने लिया था, तब याद है मुझे। ये स्पेशल भी है क्योंकि उनका दिया हुआ फर्स्ट गिफ्ट है ये शादी से पहले। तो ये डबल एक्सल लिया था, पता नहीं तब, डेट टाइम मैं मॉल वगैरह इतना कुछ लेती नहीं थी, जो भी सूट वगैरह पहनती थी और फिटिंग्स मतलब बना, साइज वगैरह मुझे उतने तभी पता नहीं थे जो साइज़ क्या होता है, कितना होता है। तो डबल एक्सल ले लिया था, तो अभी वही डबल एक्सल मुझे फिट आ रहा है। मतलब जो फिटिंग्स किया था ना वो फिटिंग्स खोली है, खोलकर जो इसका एक्चुअल सिला हुआ था वही मैंने पहना है। तो ये अभी आजकल ये फिट आते हैं क्योंकि गर्मी में ना ऐसे एकदम प्योर कॉटन वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्वेट हो रही हूँ, अभी फ़ैन ऑन करके बैठूँगी, 12:20 तब निकल जाएंगे। हाफ भी रही हूँ अभी फ़ैन ऑन करना नहीं तो बहुत गर्मी लग रही है। तो वैसे मैं रेडी हूँ, सब कुछ है, ले लिया है, मोबाइल लूँगी इसमें। गाइस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, आके नहाया, लेट भी हो गया, लंबी लाइन तो थी, डॉक्टर भी आने में लेट हो कर दिया डॉक्टर ने, मतलब जो रेडियोग्राफर होते हैं वो। और फिर सब करके घर पे आए और नहाया, अभी भूख भी लगी है तो खाना भी आ चुका है, लंच आ चुका है, तो लंच करेंगे उसके बाद ही थोड़ा रेस्ट लूँगी। एंड ये वाला जो वीडियो है इसके लिए एडिटिंग उसके बाद शुरू करूँगी। और जो रिपोर्ट में आया, मतलब जो रेडियोग्राफर ने अभी तक बताया, रिपोर्ट तो कल आने वाला है, कि सब कुछ ठीक है, बच्चा अच्छा है। यही सुनने के लिए मतलब मन कल से घबरा रहा था, थोड़ी सी टेंशन हो रही थी क्या होगा क्या होगा। तो चलो सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा है और भगवान जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो चलिए लंच कर लेते हैं, और सैटरडे है, सैटरडे बहुत कुछ बनता है मेरे इन लॉज के घर पे, तो देखते हैं क्या क्या बना है। क्योंकि यार सैटरडे है, वेज डे है, तो वेज डे में बहुत कुछ बनता है यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे है नीम की पत्ती की भाजी, यहाँ पे है साग भाजी, यहाँ पे है आम की चटनी, जो एकदम लास्ट में मैं चावल के साथ खाने वाली हूँ, ये है भिंडी खसखस के साथ, ये है आलू बड़ी, और सहजन का जो डाटा होता है उसके जो खसखस के साथ, वो है जो एक पत्ते का पकौड़ा है, और वो है दाल, और यहाँ पे थोड़ा सा है घी, थोड़ा सा एकदम लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है। और गर्मी में ऐसे आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ लास्ट में एकदम जो चावल के साथ होता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। सो या गाइस, दोपहर को थोड़ा सो गई थी, खाना वगैरह खा के मेडिसिन लेकर उसके बाद, और हिम्मत नहीं थी बात करने को। तो अभी 6 बजने वाले हैं और बाहर बहुत ही, मतलब अभी अभी धूप गया है ऐसा लग रहा है, तो छत पे से घूम के भी आ गए। हमारे वहाँ पे इस फ्लोर पे ही छत है, तो वहाँ पे जाती हूँ थोड़ी शाम को, स्पेंड करती हूँ थोड़ा सा टाइम, मैं आपको भी दिखाती हूँ लेके चलती हूँ। जो आज एक वीडियो अपलोड किया है मैंने यूट्यूब पर, तो उसका थोड़ा सा काम है, वो काम करूँगी। देन
अभी और कोई काम नहीं है, शाम को एक प्रोग्राम होगा छोटा सा जो हम मेरे ससुराल में माना जाता है, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे बैंगन का प्लांट लगाया हुआ है, बहुत सारे बैंगन हो चुके हैं और बहुत सारे फ्लावर्स भी आए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जो पर्पल कलर के फ्लावर है बैंगन के आए हुए हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो वेस्ट बंगाल में स्पेशली होता है, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया ब्लैक ब्लैक पकौड़े, ऐसे पत्ते के पकौड़े होते हैं, तो ये भी मैंने बैंगन का पेड़ ऐसे प्लांट घर पे नहीं देखा था। हाँ, मैंने पहले देखा है, वो मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है। और ये जो छत है हमारे घर से लगा हुआ है, मतलब एकदम टू स्टेयर पे ही है, तो वहाँ पे मुझे सीढ़ी नहीं जाना पड़ता, सीढ़ी तोड़ना नहीं पड़ता, तो मैं शाम को थोड़ा वक्त यहाँ पे आती हूँ। ये है पपाया ट्री, तो यहाँ पे कच्चा पपाया हुआ है और नीचे भी कुछ पपाया ट्री है और कुछ फ्लावर ट्री है, कुछ साग भाजी के ट्री भी हैं। मतलब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है पर बहुत कुछ लगाया हुआ है। और शाम के टाइम पे यहाँ पे आके तो अच्छा लगता है। ये तुलसी का प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है, पहले था, नीचे भी है अच्छे से, और वो सूख गया है क्योंकि गर्मी आजकल बहुत है। और व्यू देखिए, अभी सूरज अस्त जा रहा है तो इसीलिए वहाँ उधर रेड हो चुका है और व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। गर्मी तो है पर व्यू बहुत, नज़ारा अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे इन-लॉज पे घर पे एक कस्टम होता है कि जब प्रेगनेंसी के 5th मंथ होते हैं तो डैट टाइम ऐसे घर के लोग ही मिलकर जो फ्रूट्स वगैरह है वो जो झोली में डालते हैं, इसे हम बंगाली में शमुंतन्नो कहते हैं, हिंदी में गोद भराई होती है, पर गोद भराई वो बड़े करके एकदम लास्ट महीना जो होता है 9 मंथ्स डैट टाइम होता है। ये एक्चुअल गोद भराई नहीं है पर वैसा ही कुछ है, छोटा मोटा एक प्रोग्राम है जो घर के लोग ही मिलके सभी लोग करते हैं। और जब गोदभराई का रस्म होता है तब आसपास की जो कुछ लोगों को बुलाया जाता है वो बड़े अच्छे से मनाया जाता है। तो ये कुछ कस्टम चल रही थी एक्चुअली, तो दिन जब भी निकलता है ये दिन वगैरह देखकर ही किया जाता है, तो ऐसा कुछ दिन देखकर मेरे तो सब न्यू एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो मम्मी भी आई थी उस दिन, तो मम्मी और सासूमा ये दोनों मिलकर इन्होंने ये सब किया। 5 टाइप्स के फ्रूट्स थे, 5 टाइप के स्वीट्स थे, जो मैंने स्वीट्स तो खाना बहुत कंट्रोल में रखती हूँ, खाना बहुत अच्छा लगता है ठीक है पर बहुत कंट्रोल में रखती हूँ, पर ये स्वीट्स हम दोनों को ही ख़त्म करना है, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो आज जो वीडियो कर रहे हैं वो मेरे हस्बैंड है, तो बिहाइंड द कैमरा जो है मेरे हस्बैंड है। तो बस ये कस्टम चल रहा है, आप लोग इन्जॉय कीजिए। और आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इस कस्टम के बाद फिर रात भी हो चुकी थी, रात को हमने खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद बस सो गए और इतनी गर्मी लग रही थी और ये सारे न्यू ड्रेसेस मैंने साड़ी वगैरह पहने हुए थे, फिटिंग्स करने का तो टाइम मिला नहीं और न्यू ड्रेसेस पहने हुए थे, तो गर्मी मुझे और भी ज़्यादा लग रही थी। जब भी ये कस्टम ख़त्म हुआ डैट टाइम मैंने ये जो साड़ी वगैरह है मैंने चेंज करके रख दिया क्योंकि बहुत टायर्ड फील हो रहा था आजकल, थोड़े से जैसे मैं बात करते करते हाफ जाती हूँ और ऐसे टायर्ड भी फील होता है, तो इसीलिए ज़्यादा काम नहीं होता है। ये जो है पंचामृत है जो पंडित जी ने बनवा के रखा था पंडित जी से, तो वही अभी ले रही हूँ। एक्चुअली ये सुबह होता है पर शाम को अच्छा मुहूर्त देख कर तब किया गया था। और जैसे आप देख रहे हो ज़्यादा कोई लोग वगैरह नहीं है, सिर्फ मेरे ननद आई थी और वहाँ पे घर के लोग थे सब। तो मम्मी का तो घुटनों में दर्द रहता है तो फिर भी वो ऐसे बैठकर उन्होंने किया। और ये जो पहले सासू माँ ने कर लिया था फ्रूट्स वगैरह, जो स्वीट्स वगैरह दे दिया था झोली में, अभी मम्मी देंगी। तो बस ऐसा ही, मैं मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है तो एक्सपीरियंस हो रहा है। और भी धीरे धीरे और भी बहुत कुछ छोटे मोटे कस्टम्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या ये करना नहीं चाहिए वो करना नहीं चाहिए, तो आप लोगों को भी पता ही होगा, आप लोगों में से घर में भी ऐसा कुछ मान्यता है, ऐसा कुछ मनाते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। आने वाले हैं और भी प्यारे प्यारे व्लॉग्स, और भी बहुत कुछ करने वाली हूँ, तो देखते हैं फिर क्या होता है। बाय बाय एवरीवन, साथ रहिएगा, अच्छे रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।